Hello, good morning students. You are welcomed in RCI Education Hub. Today we are going to start a new topic of respiratory system. And that topic is disorders related to respiration. कि जैसे ही अपन respiration की process कर रहे हैं, respiration की process जो है कौन कौन से disorders हो सकते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे problems हैं जो generally cause आती है और cause होने की वजह से जो है अपन सही तरीके से respiration नहीं कर पाते हैं. इसी से रिलेटेड जो है आपके बुक के अंदर 6 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं. नंबर 1 इज अस्थमा, नंबर 2 इज ब्रोंकाइटिस, नंबर 3 इज एम्फिसेमा एंड नंबर 4 इज सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस एंड नंबर 5 इज न्यूमोनिया एंड नंबर 6 इज कैंसर रिलेटेड टू लंग्स. ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. इनमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, वी कैन से ब्रोंकिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होने लगता है. जैसे ही ब्रोंकिया के अंदर एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होता है तो गैसेस की एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं. इसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसे हो सकते हैं, बहुत बार म्यूकस जो है वे को भी ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक करने की वजह से जो भी अपन रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं. तो ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनके जो कॉजेज हैं और जो भी सिम्टम्स हैं, इसके अलावा जो क्योर्स हैं, लगभग सारी की सारी डिजीजेज के एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसे कॉजेज बताने वाला हूँ, ऐसे सिम्टम्स बताने वाला हूँ या फिर ऐसे क्योर्स बताने वाला हूँ जो कि कॉमन है, इन सब के अंदर कॉमनली पाए जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा. अस्थमा जो डिजीज है ये बेसिकली कॉज होती है किसी पोलन एलर्जी हो गई, डस्ट पार्टिकल अपन भी डस्ट का काम कर रहे हैं वो उसकी वजह से, या फिर इफ वी आर डूइंग स्मोकिंग, ये सारे अगर अपन काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ये अस्थमा कॉज हो जाता है. और अस्थमा जैसे ही कॉज होता है तो कॉज देते हैं लाइक डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल्स, इसके अलावा पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन्स, इसके बाद में नंबर 3 स्मोकिंग. ये सारे कुछ ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस, ये जो है डिजीज अपन को देखने को मिलती है. ये कुछ कॉजेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोकिंग, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है दैट इज द स्मोकिंग. क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है इन्फेक्ट कर देते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद में जो है सही तरीके से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है. इसके लिए जो है अपन को बहुत सारे टेस्ट सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं. सिम्टम्स लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसके अलावा इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलिस, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सफर कर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से अपन जो है सफर कर रहे हैं. इसके अलावा क्यूर्स भी हैं, किस तरीके से अपन जो है उपचार कर सकते हैं. तो जैसे ही अपने नोज के अंदर वाइनोस्ट्रियल नेजल चैम्बर को पास करते हुए इंटरनल लैरिंज के थ्रू फिर ट्रैक के अंदर एंट्री कर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स या फिर अपन जो स्मोक कर रहे हैं, स्मोक के अंदर जो भी एल्कलॉइड्स हैं वो एंटर कर जाते हैं. एंटर करने के बाद में जो ब्रोंकिया है और ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली स्वेल होने लगती है. ऑटोमेटिकली स्वेल होने की वजह से
एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होता है। एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से जो है धीरे धीरे जो है अपन को रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती है और वी कैन से वी फेस मैनी मोर डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग दैट हैपन्स। तो ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसेमा तो तीनों कॉमन डिजीज हैं जिसके लगभग कॉमन कॉजेज हैं और सिम्टम्स भी जो है कॉमन ही है। बट जैसे ही एम्फीसोमा और सिलिकोसिस, एपिस्टोसिस और न्यूमोनिया इन सब के अंदर जो है क्योर के अंदर अपन एंटीबायोटिक्स तो देते ही हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा अपन ब्रोंकियोलास्टर भी लेते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर। एक्चुअली ऐसी मेडिसिंस होती हैं जो कि अपन लेते हैं उसके बाद में जो अंदर जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर स्वेलिंग हुई है वो स्वेलिंग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है कम होने लगती है। इसके अलावा क्योर ये भी है कि अपन स्मोकिंग से दूर रहे। If we are doing smoking, we should also need to be away from people who smoke. अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे that is very good, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके बाद में भी अपन को ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूर रहना है जो कि स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि जो स्मोक के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद में जो है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को इम्पैक्ट करते हैं। सिलिकोसिस और एपिस्टोसिस जो है ये बेसिकली अपन को उन लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं जो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे मेनली जो है कंस्ट्रक्शन या कुछ भी काम है वो सिलिका या फिर एबस्ट्रिटोस एलिमेंट की सॉरी जो भी मतलब कि वहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री के अंदर सिलिका और एबस्ट्रोस एलिमेंट्स हैं जो अंदर चले गए हैं काम करने के दौरान, उस वाली कंडीशन के अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है। दीज डिजीजेस आर आल्सो नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इट मींस ये जो डिजीज है वो अपन को इस रिलेटेड काम करने के दौरान हो रही है। इसके बाद में इस वाली कंडीशन के अंदर आपको यही करना है या फिर काम छोड़ दे, फिर वी कैन आल्सो यूज मास्क वगैरह अपन यूज में ले सकते हैं। और इसके बाद में आ रहा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है बेसिकली बैक्टीरिया से कॉज होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। इसके बाद में कैंसर आ रहा है। कैंसर के अंदर क्या होता है कि लंग की जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिविजन्स करती हैं, नॉट इन ए कंट्रोल्ड मैनर, अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर वो डिविजन करती हैं और डिविजन करने के बाद में वो ट्यूबल को कॉज करती हैं और ट्यूबल को कॉज करने के बाद में धीरे धीरे जो है लंग की एयर को लेने की कैपेसिटी, एयर को स्टोर करने की कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और थोड़े समय बाद में जो है लंग्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लंग्स जो है अपना काम करना धीरे धीरे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जो ये कैंसर ऑफ लंग है इसका कोई क्योर नहीं है, इसका क्योर यही है कि जनरली वी नीड टू अवॉइड दीज होल थिंग्स। ये चीजें अपन को अवॉइड करनी है, बेसिकली ऐसे फैक्टर्स को अपन को अवॉइड करना है जिनकी वजह से डिजीज हो रही है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा के अंदर तो अपने देखा ये कॉजेस हैं, ये सिम्टम्स हैं और ये क्योर्स हैं। इसके अलावा सिलिकोसिस के अंदर सिलिका की वजह से कॉज हो रहा है, एबेस्टोसिस के अंदर एबेस्टोस की वजह से कॉज हो रहा है और न्यूमोनिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से कॉज हो रहा है और लंग ऑफ कैंसर के अंदर अपने देखा है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से जो है लंग कैंसर कॉज हो रहा है और लंग कैंसर का कोई किसी प्रकार का क्योर नहीं है। ओके, इसी के साथ में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में देन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।